कैसे हो अंकल? हाँ हाँ तुरंत फोर्ट के टॉप पे जाके आ जाओ तुरंत, 10 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे को 8 बजे का बुकिंग है। अच्छा बाकी कोई प्रॉब्लम? अच्छा ओके एक बार राउंड लगा के आ जाओ। चलेगा तुरंत आ जाता हूँ मैं, अभी वो नहीं है ना उनका एग्ज़ाम चालू हो गया तो मतलब तुरंत जाके आ जाता हूँ। दूसरी गाड़ी दे देता हूँ, टू व्हीलर। कौन सा चलाना आता है? मेरे पास तो रॉयल एनफील्ड है। एक्सपल्स वो चला ही नहीं मैंने कभी। I found a picture we took many years ago when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never sent because I don't know you but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time in the back of your car. We passed out counting stars, promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. सो इट्स थर्ड डे और आपने अभी राइड देखी होगी। सो ये है जैसलमेर फोर्ट का मॉर्निंग व्यू, सनराइज, बट थोड़ा मिस हो गया। सो दिस इज़ इट। सो एंड द डे 3 बिगिन्स विद एन ऑसम व्यू फ्रॉम द फोर्ट टॉप। जस्ट आपने कल देखा था, ये नाइट था और काफ़ी अमेजिंग व्यू था। अभी ये मॉर्निंग है और ये देखो व्यू देखो एक। हाय, कहाँ से आप? मुंबई। मुंबई? फ्रॉम वेयर? मी टू मुंबई, गोरेगांव, अंधेरी। व्हाट्स योर नेम? गोल्डी। आदित्य से मिलते हो? आदित्य। कहाँ पर रुके? यहाँ पे अभी रुके, अभी जोधपुर जा रहे हैं। यहाँ पे कहाँ? यहाँ पे ये बॉब मार्ली और प्रीवियस सैम ड्यून्स कहते हैं। चलो बाय। वो छोड़ दूँ नीचे? ओके ओके। हाँ हॉस्टल हम लोग ने ट्राई किया, हॉस्टल यहाँ पे नहीं मिला, अब बुकिंग्स फुल हो गए तो अभी हॉस्टेलर जा रहे हैं जोधपुर में। नहीं कभी कभी कैसा होता है अंकल, मतलब देखो अकेले आते हैं ना तो एक इंटरेक्शन के लिए कोई मिल जाता है, तो नॉर्मल रूम में कोई आता नहीं है जल्दी। और हॉस्टेलर में कैसा दुनिया भर के मतलब पूरे इंडिया से लोग आएंगे तो उनसे मिलने का मौका मिलता है। ये क्या है मैं बताता हूँ कि है ना, मेनली इंडिया में जो घूमते हैं ना तरीके से, वो यूरोप वाले घूमते हैं, हाँ, ट्रैवलर। हाँ, जो यूएस वाले आते हैं अमेरिका से, वो तो टूरिस्ट, उनको रुकना होता है 3 दिन या 2 दिन, और वो 2 दिन रुकेंगे किसी क्लब महिंद्रा फोर्ट या ऐसी कोई 5 स्टार अच्छी 3-4 हज़ार या 8-10 हज़ार रुपये वाली प्रॉपर्टी में, जो लग्जरी है उनका। यूरोप वाले उतने 3 दिन की जगह 30 दिन रुक जाएंगे या 15 दिन रुकेगा, अकेला ही आएगा और अकेला एक चप्पा आपका बैग देख के जाएगा, वो देख के जाएगा। ट्रेन आपके यहाँ आते होंगे फॉरन से बहुत सारे, उधर फ्लाइट बंद है। आपका शॉप का नाम क्या है? रिकॉर्ड हो रहा है। भावना टेक्सटाइल। जैसे भावना टेक्सटाइल, इधर ज़रूर आना, मुझे बहुत अच्छी अच्छी डील मिली यहाँ पे। एक बड़ा आता हुआ फ़ोन आ रहा है। अभी जा रहे हैं धनराज स्वीट सेंटर, वहाँ से गोटुआ के लड्डू ले गए। तो देखो यहाँ पे है धनराज स्वीट सेंटर, अभी जा ही रहे हैं फोर्ट के बिल्कुल बगल पे। तो ये हुआ फतेह की कचौरी और यहाँ से आएगा धनराज स्वीट सेंटर। सो यहाँ पर हम पहुँचे धनराज सेंटर। सो यहाँ पे हम खाएंगे मिर्ची बड़ा और गोटुआ के लड्डू है वहाँ पे, और घेवर चमचम ट्राई करने थे, यहाँ ही कर लेंगे, पोखरान तो जा नहीं पाएंगे। मिर्ची बड़ा और ये अपना क्या बोलते हैं गोटुआ के लड्डू दो, और दो चमचम पीस दे देना। सो यहाँ पर हम आए थे धनराज स्वीट सेंटर, ये वाला। सो धनराज भाटिया स्वीट्स। सो यहाँ पे हमने लिया गोटुआ के लड्डू और चमचम, जो पोखरान से ट्राई नहीं कर पाए तो यहाँ से ही ले लिए। तो हम घूम रहे अभी साहिल के साथ, धनराज भाटिया स्वीट सेंटर जाके आ गए आए। तो अभी हम टूअर्स जा रहे हैं वापस अपने स्टे को। काफ़ी अच्छा ये है स्टे। तो भैया हम पहुंच गए चमचम लेके, किस इतना पीछे पड़े थे इसके। सो इट्स अ स्वीट, पोखरान स्वीट। तो पोखरान तो जा नहीं सके, इट वॉज अवेलेबल इन धनराज। सो वहाँ से ले लिया, अभी आपको खा के बता दें। डैम गुड, इट्स मोर लाइक अ बंगाली स्वीट, बट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। सो बाकी को तो बहुत स्वीट लगी है, बट मैं तो उस स्वीट का दीवाना। बहुत बढ़िया है, इट्स टू गुड, यू नो। एक सॉफ्टनेस होता है और अंदर जैसे आप प्रेस करते हो अंदर से, बंगाली स्वीट कैसा होता है रस मलाई, वैसे रस बाहर निकलता है, पर वो कैसा ड्रिपिंग हो जाता है, ये वैसा नहीं है। ये काफ़ी सॉफ्ट है और अंदर ही फर्म है। सो काफ़ी बेटर है और ज़्यादा शुगरी भी नहीं है, बट कुछ जन को स्वीट लगेगा। बट अभी राजस्थान आए हैं तो फिर इसके विदाउट तो जा नहीं सकते, और गोटुआ के लड्डू भी ले लिए पार्सल। वो बोलते कि काफ़ी 1 महीने तक चल जाएगा, तो केसर मावा सब इससे बना जाता है। सो दिस इज द धनराज मिठाई वाले का मिर्ची बड़ा। लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। वहाँ का कुछ और था, ये कुछ और है। लेट्स ट्राई। सो ड्रिप इट इन दिस। तो मिर्ची बड़ा ऐसे स्टफ होता है, राजस्थान का फेवरेट डिश है ये, ज़रूर ट्राई करिए मिर्ची बड़ा। अभी जोधपुर में ट्राई करेंगे, जोधपुर में काफ़ी सुना है इस जगह का, वो ज़रूर ट्राई करेंगे। देखा है कहीं ऐसा। सो वहाँ पे अभी लिटरली देखा उन्होंने हाथों से सब गाड़ी पार्किंग में साइड ले ली विदाउट इवन गाड़ी स्टार्ट करे, है ना, कमाल की बात। दिस हैपन ओनली इन इंडिया। तो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स पटवा हवेली, वहाँ पे जाके चेक करेंगे कैसा है क्या है, और देखते हैं। बाकी सलीम सिंह हवेली और दूसरी तो हो गई उसी दिन, टूवर्ड्स पटवा हवेली। सो डे 1 को हमने की थी सलीम सिंह हवेली और नतमल हवेली, अभी हम आ गए हैं पटवा हवेली, और इसके बाद हम निकलेंगे टूवर्ड्स जोधपुर। सो ये देखिए हवेली।'Cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car, we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. दोस्तों ये थी पटवा हवेली, और काफ़ी अच्छी थी, मतलब कैसे पुराने लोग खाया करते थे, सोया करते थे, फिर वेलकम ड्रिंक्स कैसे रहा करता था, कैसे शीशे थे उनके, फिर अलग अलग मॉन्यूमेंट्स। और प्लीज़ 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 कहीं भी थूकना मत, वहाँ पे एक जन को वार्निंग दिया था। तो कुछ भी हो, कुछ स्पॉइल मत करिए। ये देखो जैसे कि यहाँ पे कचरा फेंक दिया, पार्ले जी एंड ऑल, प्लीज़ ऐसे मत करिए। वेस्ट है ही आपका, एंजॉय करिए। ये देखो यहाँ पे पीछे फोर्ट है मेरे। सो इस साइड फोर्ट है, ये देखो ये फोर्ट है। दैट्स हाउ इट वाज पटवा हवेली। पटवा हवेली से दर्शन है और ये आर्किटेक्ट्स बहुत अच्छे किया है। जैसे अभी आपको बताया था, फोर्ट इज़ द ओनली लिविंग फोर्ट इन इंडिया। मतलब यहाँ पे करीबन बहुत से पॉपुलेशन है जो अभी भी रहते हैं फोर्ट में। सो दैट्स वाई द ओनली लिविंग फोर्ट, बिकॉज अदर फोर्ट आर लाइक मतलब हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स बन के मतलब वहाँ पे लोग विजिट करने जाते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो दिस वाज आवर स्टे, काफ़ी अच्छा था प्लेस। वहाँ पर बैल्कनी टाइप भी है, काफ़ी अच्छा है। सो जोधपुर जा रहे हैं अभी, जोधपुर निकलेंगे और तुरंत पहुंच जाएंगे। सो जोधपुर पहुंचने के लिए तकरीबन 4 to 5 hours जाएंगे बाय बस, और ट्रेन तो 2 बजे की है, तो उतना लेट नहीं जाने, आपके निकल जाएंगे बाय। अभी हम निकल पड़े और खाने चले हैं दाल पकवान। ये देखो ये प्लेस पे, तो ये प्लेस है, यहाँ पे दाल पकवान खानी है। लेट्स गो। ये देखो, ये है दाल पकवान, अभी जैसे आपके सामने बनाई, एग्जैक्टली इसके सामने ही है फतेह की कचौरी। थैंक यू। मक्खनिया लस्सी, सो ये है मक्खनिया लस्सी, यहाँ की फेवरेट, काफ़ी अच्छी है, ड्राई फ्रूट्स, फुल ड्राई फ्रूट्स के साथ है। टेस्ट करके देखते हैं। सो फाइनली जोधपुर पहुंच गए और हमारे रेस्टोरेंट विजय रेस्टोरेंट। सो यहाँ पे हम खा रहे वैरायटी ऑफ डिशेज, जैसे कबूली मलाई रोटी और क्या कबूली मलाई रोटी, प्रेम पैला और गुलाब जामुन की सब्जी। जी हाँ, गुलाब जामुन की सब्जी। सो ये कबूली है, इसमें गट्टे की सब्जी, पनीर, रायता और वेरियस मसाला, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, काजू, ऐसे बहुत कुछ होते हैं। सो ये है गुलाब जामुन की सब्जी, और इसमें आप देखोगे तो घी देखो भर भर के एकदम, ये देखो ये पूरी घी है। सो इतनी घी है कि आप ये नॉर्मल रोटी लीजिए और ये डायरेक्ट इस पे डाल दीजिए, इतनी घी है। ये देखो ये पूरा घी है, देखो अभी ये देखो। सो रेकमेंड रहेगा कि इसको तंदूर रोटी ले लीजिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग बटर रोटी। कसम से गुलाब जामुन की सब्जी नाम सुन के थोड़ा अलग लगता है, बट डेफिनेटली इट्स वर्थ ट्राइंग। मतलब कुछ अलग ही चीज़ है। स्वीट भी काजू की बनी होती है, काजू क्रीम हो गया, वेरियस टोमेटोस, ये सब करके एक स्वीट ग्रेवी बनती है। तो ये इतनी भी स्वीट नहीं है, बट गुलाब जामुन की सब्ज़ी नाम सुन के थोड़ा अलग लगता है, बट दिस इज़ इंडियन कल्चर। यहाँ पे वेराइटी ऑफ डिशेज मिलेंगे, बस आप ओपन टू लर्निंग होने चाहिए, लाइक कुछ भी एक्सेप्ट करिए। सो दिस इज़ इंडिया। सो ये है प्रेम प्याला, और इसमें जैसे कि आप देख सकते हो ये फ्रूट क्रीम, ड्राई फ्रूट क्रीम और रबड़ी, ये मिक्स है और ड्राई फ्रूट्स है। सो देखते हैं इसका रिएक्शन, लेट्स सी। मैंने सुना ये काफ़ी डिलीशियस होता है, लेट्स सी नाउ। अमेजिंग। जो इसमें फ्रूट क्रीम, ड्राई फ्रूट क्रीम और रबड़ी का जो मिक्सचर है, डैम अमेजिंग। दूध की मलाई होती है, इससे बनी है ये मलाई रोटी। सो आइए खाते हैं मलाई रोटी। बढ़िया है। काफ़ी अच्छी है। जैसे वो कालाकंद सुना है आपने, बिल्कुल वैसे सॉफ्ट और एकदम स्वीट, और इसमें पिस्ता सब का मिक्सचर डाला है, ऊपर केसर, that makes it even more delicious. So the lovely day ends with the lovely dish. मतलब मैंने एक का आइटनरी देखा था, उसमें जोधपुर में उसने बताया था कि ट्रैवलिंग ही है डे 2 डे 3, मतलब समझो जैसलमेर से वो जोधपुर पहुंच रहा है तो ट्रैवल डे ही है, उसके बीच में उसने कुछ किया नहीं, तो उस पर से मुझे समझ आया कि ट्रैवल में टाइम चला जाता है. That's how day 4 ends. See you on day 5 with the मेहरंगढ़ फोर्ट, फ्लाइंग फॉक्स, जसवंताड़ा, काफ़ी सारी शॉपिंग और ब्लॉगिंग. See ya. Bye bye.